बेंगलुरु के बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में लगी आग पर काबू पाने के लिए इंडियन एयरफोर्स को लगाया गया है। पिछले 5 दिन से लगी इस आग की वजह से अब तक लगभग 3000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में लगी आग 5 दिन बाद भी काबू में नहीं आई है। कर्नाटक सरकार के इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगने के बाद एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आग से 3000 हेक्टेयर तक जंगल जलकर खाक हो गया है। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं लगाया जा सका है। बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में पहली बार शुक्रवार को आग लगने की खबर मिली थी, जिसके बाद 500 से भी ज्यादा फॉरेस्ट स्टाफ पिछले 4 दिन से आग पर काबू पाने की कोशिश में लगा था, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी। पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि आग से हुए नुकसान की भरपाई करने में 25 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।